My precious friend, God is pleased with you. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। If you read 1 Samuel 12:22, अगर आप पहला शमूएल अध्याय 12 वचन 22 पढ़ते हैं, The Bible says, बाइबल कहती है, The Lord was pleased to make you His own. यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। Yes, you belong to Jesus. आप यीशु के हैं। According to Acts 20 and verse 28. प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 28 के अनुसार, The Lord has purchased you as His body, His temple, through His own blood. पर प्रभु ने अपने ही लहू के द्वारा आपको अपनी देह और अपने मंदिर के रूप में खरीद लिया है। You have been bought to become God's child through the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको खरीदा गया है कि आप परमेश्वर की संतान हो जाएं। It's no more you, but Christ living in you. अब ये आप नहीं, लेकिन मसीह जो आप में रहता है। What a great joy! ये सच में कितने बड़े आनंद की बात। What a great grace! इतना महान अनुग्रह है। Yes, you have been purchased by Jesus to be His own. हाँ, आपको यीशु के द्वारा खरीदा गया है ताकि आप उसके हो जाएं। God is pleased with you. परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। Just thank him. बस उसे धन्यवाद दे। Tell him thank you, Lord. उसे कहे धन्यवाद प्रभु। Thank you for being pleased with me. उसे प्रसन्न होने के लिए धन्यवाद। The psalmist says, Who am I that you should think about me, Lord? भजनकार कहता है कि हे प्रभु, मैं कौन हूँ कि तू मेरे बारे में सोचे? I am poor. मैं तो कंगाल हूँ। I am needy. मैं जरूरतमंद हूँ। But you are thinking about me all the time. लेकिन तू हमेशा मेरे बारे में सोचते रहता है। Psalm 40 and verse 17. भजन संहिता 40 वचन 17 में कहता है, God is pleased to make you and to call you as His own. परमेश्वर सच में प्रसन्न होता है कि वह आपको अपना, अपनी प्रजा कहता है। When is God pleased with us? हाँ, परमेश्वर हमसे कब प्रसन्न होते हैं? When we become His son, His daughter. जब हम उसके बेटे और उसकी बेटी हो जाते हैं। Matthew 3:17. मत्ती 3:17. When Jesus surrendered Himself to do the work of God. जब यीशु ने परमेश्वर के काम करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। A voice came from heaven. तब आकाशवाणी हुई। And it said, "This is my beloved son." और उसने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। In whom I am well pleased. जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। Not just pleased. केवल प्रसन्न नहीं हूँ, नहीं। But well pleased. लेकिन अत्यंत प्रसन्न हूँ कहाँ है? In everything He has pleased me. जो कुछ भी उससे, हम उससे प्रसन्न होते हैं। When did the sound come? जब ऐसा होता है। When was the certificate given to Jesus? यीशु को ये सर्टिफिकेट कब दिया गया? When he went through the waters of baptism. जब वो पानी के बपतिस्मे से होकर गया। Through baptism, we renounce sin and confess that we are dead to sin and we are risen to life in Jesus. बपतिस्मे के द्वारा हम इस बात की शाश्वती देते हैं कि हम पाप के लिए मर चुके हैं और यीशु के लिए जी उठे हैं। We have renounced the world and we have taken up to live with Jesus in this world. हमने संसार का इनकार किया और हमने ये ठान लिया है कि इस संसार में हम यीशु के साथ जिएंगे। That's the sign or the symbol for baptism. और यही तो बपतिस्मे का चिन्ह है, इसे दर्शाता है। And today my friend. और आज मेरे दोस्तों, God is pleased with you. परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। Because you have renounced sin. क्योंकि आप इस बात को घोषित कर रहे हैं। Renounced trusting in the world. संसार के ऊपर भरोसे का आप इनकार कर रहे हैं। Renounced fearing about the wickedness coming to attack you. जो दुष्टता आपके विरुद्ध में हमला करने के लिए आती है, उसका आप इनकार करने की घोषणा करते हैं। And you have said, I will live for Jesus and in Jesus. आप ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं यीशु के लिए और यीशु में जीऊंगा। The Lord is pleased with you. तो प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं। He is making you His own. वो आपको अपना बनाते हैं। And again the Bible says. और फिर से बाइबल ये कहती है। In Acts 13:22. प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 22 में। God says about David. परमेश्वर ने दाऊद के बारे में कहा। He is a man after my own heart. ये तो मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है। Because he does all my will. क्योंकि वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। Jesus also prayed.
और यीशु ने भी ये प्रार्थना की है, Let thy will be done. कि तेरी इच्छा पूरी हो, Even though it be a cross. हालांकि ये क्रूस ही क्यों ना हो, I will accept it. मैं इसे स्वीकार करूंगा, Let me do your will. मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा. God was pleased with him. परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए. And God called David also. You're a man after my own heart. और परमेश्वर ने दाऊद को ये कहा कि तू मेरे मन, मेरे हृदय का सा मनुष्य है. And again the Bible says. और फिर से बाइबल ये कहती है. In Psalm 147:11. भजन संहिता 147 वचन 11 में. I take pleasure in those who fear me. यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है. And those who trust in my mercy. अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं. Yes, you are trusting in God's plan being fulfilled in your life through the mercy of God. आप भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की करुणा के द्वारा, उसकी दया के द्वारा परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होती. The Lord is pleased with you. परमेश्वर आपसे प्रसन्न है. Father, पिता, we surrender to you. हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं. Oh Lord, we trust in your love. हे प्रभु, हम आपके प्रेम पर भरोसा करते हैं. Let thy will be done through our lives. हमारे जीवन के द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो. And let your grace abound. और आपका अनुग्रह आए प्रभु. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे.